प्रभु भवन सभागार में एकत्रित हुए हैं। सही मायने में इस प्रकार के जो आयोजन होते हैं उनका जो सही मकसद यही होता है कि हम एक सूत्र में बनकर और इस आजादी के अमृत महोत्सव में जो एकत्रित हुए हैं, हम झंडे के नीचे एक अपने जो संकल्प होते हैं जिन्हें हम एक सूत्र में बनकर और आगे पूर्ण करने की जो परिकल्पना करते हैं उस दिशा में हम लोग इसी प्रकार सतत तरीके से आगे बढ़ते रहे। हमारे देश के वीर शहीदों ने अपने प्राणों को बौछावर करके और इस आजादी को हमें प्रदान किया। इस आजादी के बाद हम नित्य नए नवाचारों के साथ भारत एक आधुनिक भारत की ओर एक न्यू इंडिया की तरफ बढ़ रहा है। हम सब लोगों को भी जरूरत है इस नए भारत में अपने संस्कारों को साथ में अपने व्यवहार में आदर्श से सोच को विकसित करके डेवलपमेंट करने की, क्योंकि आज हम देख रहे हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग इस डिजिटल जाल में उलझते जा रहे हैं, लेकिन सही मायने में हमें इस से भी आज़ादी की आवश्यकता है। टेक्नोलॉजी का हम सही उपयोग करें, सही उपयोग के साथ उसे हमारे विकास में लगाएं, ना कि बेवजह युवा 2 GB के डेटा को खर्च करने में 4 से 5 घंटे गंवाने की बजाय अगर वो यूज करे उसे अपने सकारात्मक विकास के लिए तो निश्चित रूप से उनका डेवलपमेंट होगा। तो हम लोगों को यही प्रयास करना चाहिए मिलकर, जिस प्रकार पूरी युवा जागृति टीम ने नित नए नवाचार करते हुए और संस्था को आज बानसूर में ही नहीं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का एक प्रयास किया है। चाहे हम बात करें डिजिटल डिस्ट्रिक्ट बनाने की या बात करें हम कौशल विकास की या फिर भविष्य निर्माण की आधुनिक स्किल्स की, तो नित नए परिवर्तनों के साथ आज बानसूर एक डिजिटल बानसूर की ओर बढ़ रहा है। हम बात करें अगर एक्सपी क्लैब की तो आज बानसूर के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जो पहले डिजिटल का अभाव महसूस करते थे, लेकिन निश्चित रूप से युवा जागृति संस्थान का सतत प्रयास है कि लगातार इसी प्रकार अगर हम अगले 2 वर्षों तक प्रयास किया तो बानसूर का शायद ही कोई ऐसा सरकारी विद्यालय होगा जिसमें कोई बच्चा डिजिटल साक्षर नहीं होगा, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि हम 2025 से पहले पहले संपूर्ण बानसूर की जितनी भी सरकारी स्कूल्स हैं उनके सभी बच्चों को डिजिटल साक्षर का एक लक्ष्य लेकर हम अपने आप को और बानसूर को एक नए बानसूर की ओर बढ़ाने का प्रयास करेंगे। साथ में जो स्टूडेंट 1 वर्ष का कोर्स कर रहे हैं उन्हें कोर्स करने के बाद एक समस्या महसूस होती है कि उन्हें प्लेसमेंट नहीं मिल पाता, उस अभाव में वो बच्चे मायूस हो जाते हैं और अपने दूसरे प्रकार के रोजगार की तरफ बढ़ जाते हैं। लेकिन 1 वर्ष का कोर्स या फिर कंप्यूटर में अगर कोई कैरियर बनाना चाहे तो उसके लिए फ्यूचर स्किल जैसा IBM स्किल बिल्ड का जो प्लेटफॉर्म है, IBM के साथ जो युवा जागृति संस्थान का अनुबंध MOU है जो पूरे भारत में हम डिजिटल साक्षरता ही नहीं भविष्य निर्माण की नई आधुनिक स्किल्स को भी हम बढ़ा रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारा आगामी मिशन 2025 से पूरे ऑर्गेनाइजेशन का यही है कि भारत के संपूर्ण पटल पे हम युवा जागृति संस्थान के कामों को पहुंचाएं। साथ में हमारे बानसूर का जो युवा है वो स्किल्स को सीखकर और विशेषकर आधुनिक स्किल्स को सीखकर वो अपने आप को रोजगार के नए अवसर प्राप्त करा सके, इस प्रकार का एटमोस्फेयर और ऐसा एक एनवायरमेंट हम लोग मिलकर इस युवा जागृति संस्थान के साथ स्थापित करने का प्रयास करेंगे। साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सभी स्टाफ साथी एक सूत्र में बनकर एक लक्ष्य के साथ अगर एक दिशा में प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से जो लक्ष्य ऑर्गेनाइजेशन ने पहले रखे जिन्हें आपने पूरा किया है और आगे जो हमने रखे हैं वो भी पूरे होंगे। आज हमारी टीम में से 3 लोगों को ब्लॉक स्तर पर सम्मानित किया जा रहा है, वो पूरी टीम के और आप सब लोगों के प्रयास ही है। चाहे मातृका से हम गुड्डी देवी की बात करें जिसने अपने क्षेत्र में महिलाओं को एकत्रित करके और ना सिर्फ उन्हें गलीचा निर्माण से जोड़ा, साथ में जिस समुदाय में महिलाएं एक पर्दे में रहती थी और आगे नहीं बढ़ पाती थी उन्हें आगे बढ़ाने का काम किया है।
उसी प्रकार अगर हम बात करें राधा देवी की जो आलमपुर से हैं और साथ में कंचन सैनी को जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या फिर स्त्री स्वाभिमान टीम में से उनका चयन हुआ है। इस तरह तीन लोगों का आज उपखंड स्तर पर आयोजित जो स्वतंत्रता दिवस है वहाँ इन्हें पुरस्कृत किया जा रहा है। तो ये सही मायने में पूरी टीम का और पूरे संस्था के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए सभी लोगों का प्रयास है। बाकी टीम के लोग भी प्रयास करें, हमने 8 से 10 लोगों के नाम दिए थे लेकिन ब्लॉक लेवल पे जो पैनल है उसने इन तीन लोगों को फाइनल किया है। इसी प्रकार हमारा सतत प्रयास होगा कि हम निश्चित रूप से नवाचारों के साथ हमारे मानसून को नए मानसून की ओर बढ़ाएंगे। विशेषकर युवाओं से मैं पुनः एक आग्रह करूंगा कि वो अपनी सोच को आदर्श रखें, अपने संस्कारों को अपने जीवन में उतारें, आधुनिकता की होड़ में। और अगर हम बात करें कि आधुनिकता ने कई तरह के ऐसे व्यसन युवाओं में पनपा दिए हैं, बात करें अगर नशे की या फिर बात करें अलग तरह के एक दुर्व्यवहार की, तो वो उन चीजों को अपने आचरण से दूर करें और एक आदर्श नागरिक बनने के साथ साथ एक आदर्श सोच के साथ समाज को एक बदलाव के लिए आगे बढ़ाने का प्रयास करें। कई बार सोचते हैं कि मेरे करने से क्या होगा, अगर सब लोग थाने और अपने को सुधार करें तो निश्चित रूप से बदलाव जो हम सोच रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने सोचा और एक पूरे भारत में एक नई बयान आप पिछले 3 दिनों में देख रहे हैं। आजादी के अमृत महोत्सव पे आज हर हर झंडा जो फहराया गया है वो हमारे राष्ट्रीयता की और हमारे देश की अखंडता की ही निशानी है। इसलिए हमें पुनः हमारे इस आजादी के अमृत महोत्सव पे ये संकल्प लेना है कि 75 वर्षों में जो देश ने परिवर्तन किए उन्हीं परिवर्तनों में नया नवाचार करते हुए हम लोग भी अपनी भूमिका निभाएंगे और एक समाज को आदर्श सोच के साथ आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और अंतिम लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि हमें पर्यावरण के लिए भी कुछ करने की आवश्यकता है, क्योंकि 75 वर्षों में जो लगातार पर्यावरण की अगर हम दोस्ती की बात करें, ग्लोबल वार्मिंग बहुत तेजी से हमें देखने को मिल रहा है, बेमौसम बरसात होना, आंधी तूफान का आना या फिर सूखे का पड़ना, ये सब चीज़ें बहुत बड़े परिवर्तन की निशानी है। अगर इस ग्लोबल वार्मिंग को हमने नहीं रोका तो अगले कुछ वर्षों में हमारा जीवन एक तरीके से जीना दुर्बल हो जाएगा। तो हमें जिस तरह वैश्विक महामारी ने पूरे विश्व को एक अलग सूरत पे लाके रख दिया, इसी प्रकार हमें भी इस धरा पे अगर हमें जीवन मिला है तो कुछ इस प्रकार का करें जिससे कि आने वाली पीढ़ियां आपके कामों को याद रखें। उन्हें आप सभी का धन्यवाद और सम्मानित मुझ कर भी आपके जीवन की मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। संस्था का समस्त स्टाफ एवं छात्र एवं छात्राओं, जैसा कि हम सबको विदित है, आज हम आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज हम 15 अगस्त मना रहे हैं। जैसा कि हम सबको विदित है और गोकुल सर ने भी बताया कि हमारी संस्था का एम है डिजिटलाइजेशन एवं स्त्री स्वाभिमान मान्य कई लक्ष्य हैं जो हम लेकर चल रहे हैं, उनको पूरा करना हमारे सभी साथियों के साथ मिलकर कार्य करना हमारे लक्ष्य रहेगा। और इसी में दो मुहिम और हैं, एक तो स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करना। हम जहाँ भी रहते हैं हमारे गांव और शहर में आम जन को हम
सिंगल यूज प्लास्टिक बैन। एनजीटी के आदेशों की पालना में प्लास्टिक को बैन कर दिया गया है। हम आमजन को संस्था के माध्यम से इसको भी आमजन को जागरूक किया जाए कि हम प्लास्टिक यूज ना करें। जब भी हम मार्केट जाएं या सब्जी लेने जाएं, जहाँ भी जाएं, तो हम कपड़े का थैला या जूट का थैला साथ लेकर जाएं और औरों को भी इस बाबत प्रेरित करें, जिससे प्रशासन को भी ज़्यादा कार्रवाई एवं सख्ताई नहीं करनी पड़े। इसी आशा के साथ आप सभी यहाँ पधारे, आपका तहे दिल से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।